और यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं वो आईडी यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग स्नैपचैट आईडी को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ दिखा दिए कि किस तरह से आप लोग रिकवर कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोग अपना स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं लेकिन ना ही आपके पास मोबाइल नंबर है ना ही ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड था उसको वो भी अगर आपको याद नहीं है तो किस तरह से आप लोग अपना स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में आपको दो तरीका बता देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको दो तरीका बताने वाले हैं और 50 से 60% चांस है कि आपका आईडी 100% रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए किस तरह से हम लोग रिकवर कर सकते हैं स्नैपचैट अकाउंट को वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना, ये हो गया पहला तरीका। तो जैसे आप लोग गूगल को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सर्च करना स्नैपचैट सपोर्ट, और जैसे आप लोग यहाँ पे स्नैपचैट सपोर्ट में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको स्नैपचैट सपोर्ट का यहाँ पे वेबसाइट आएगा जिसमें आपको क्लिक करना है, और जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे में नीचे आ जाना है, और जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा, इसी कॉन्टैक्ट अस में आपको क्लिक करना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में क्लिक कीजिएगा तो आप लोग चाहें तो लाइक बटन में भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से आप लोग कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ आई कांट एक्सेस माई अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आई थिंक माई अकाउंट वाज कंप्रोमाइज यहाँ पे है ऑप्शन, और यहाँ पे आई कांट वेरीफाई माई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पास आई फॉरगेट माई पासवर्ड यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं घूम रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टिल नीड हेल्प का यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है इसमें आपको यस में क्लिक कर देना है, और जैसे आप लोग यहाँ पे यस में क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो भी आपका यूजर नेम था वो आपको यूजर नेम यहाँ पे डाल देना है, जो भी ईमेल आईडी था वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देना है, और जो भी अभी आपके पास है मतलब जो ईमेल आईडी पहले था जो था उसको हटा दीजिए, जो अभी आपके पास है वो आपको डालना है, और जो भी मोबाइल नंबर आपके पास वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। और जैसे आप लोग लिख के यहाँ पे सबमिट में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे स्नैपचैट की तरफ से ईमेल आ जाएगा, और वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा, या कुछ भी वहाँ पे जो ईमेल आएगा उसमें आपको साफ साफ दिखा देगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका। चलिए हम आपको दूसरा तरीका बता देते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और नीचे कॉमेंट करके बताइएगा आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका कौन सा स्टेट है। ठीक है, चलिए हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन करना है, जैसे आप लोग क्रोम को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम गलत जगह क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम को ओपन किया है, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करते हैं, और जैसे हम लोग इस थ्री डॉट में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, और जैसे हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं गूगल पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, इसी में आपको क्लिक करना है, और जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको स्नैपचैट यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे मिल सकता है, और यहाँ पे काफी सारा अगर पासवर्ड रहेगा तो यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, स्नैपचैट आ जाएगा आपका। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे लिखेंगे स्नैपचैट यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका, तो यहाँ पे मिल चुका, तो यहीं पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं, और जो लॉक वगैरह मांगा तो लॉक वगैरह दे दिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम दिख रहा है, और यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डॉट डॉट में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। जैसे आप लोग पासवर्ड को कॉपी कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको चले जाना है अपना स्नैपचैट में। चलिए हम लोग यहाँ पे स्नैपचैट में चले जाते हैं, और यहाँ पे जो पासवर्ड था यहाँ पे पासवर्ड डाल दिए हैं, और जो यूजर नेम था हमारा आईडी का वो यूजर नेम भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे यूजर नेम भी डाल देते हैं। यूजर नेम डाल दिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग लॉगिन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे यूजर नेम गलत डाल दिए हैं इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम सही डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं वो आईडी यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग स्नैपचैट आईडी को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ दिखा दिए कि किस तरह से आप लोग रिकवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद है, जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।